थैंक यू सो मच। आज हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ डज के बारे में, ठीक है। डज फैमिली क्या है कि डज के साथ क्या क्या आता है। जब भी कहीं डज यूज होता है तो डज के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। डू, डज, डिड, इन तीनों के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे क्वेश्चन करते समय। व्हाइल आस्किंग क्वेश्चन यू विल यूज फर्स्ट फॉर्म विथ डू, डज एंड डिड। स्पेशली अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ डज की। डज को जब आप रिप्लाई करते हो, डज का जब आप आंसर देते हो, तो हमेशा फिफ्थ फॉर्म आपको लेना है। व्हेन यू रिप्लाई द आंसर ऑफ द क्वेश्चन डज ना, सपोज दैट आई एम रेजिंग क्वेश्चन फ्रॉम डज, तो आपको क्या करना है, डज को नहीं बोलना है। जब पॉजिटिव में रिप्लाई करते हो तो डज को नहीं बोलना है कहीं डायरेक्ट। जैसे डज जो है थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है, डज ही, डज सी या डज कोई सिंगल नेम होगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ डज मोहन प्ले क्रिकेट ना, डज रिया टॉक इन इंग्लिश, डज ही गो टू स्कूल, डज ही गेट अप इन द मॉर्निंग, डज राम रीड स्टोरी, ठीक है, इस तरह से। अब जब रिप्लाई करोगे तो जो एक्शन यहाँ फर्स्ट फॉर्म ले रहे हो उसमें आपको फिफ्थ फॉर्म कर देना है। आपको एक्शन का फिफ्थ फॉर्म लिखना है, ठीक। अब आपको करना क्या है कि डज के बाद जब रिप्लाई करोगे, जैसे डज ही का ही, डज सी का सी, डज कोई नेम है तो उसका नेम। बाद में जैसे मैं बोलूँ डज ही गो तो आपको बोलना ही गोज ना, डज ही रीड ही रीड्स, डज ही स्टडी ही स्टडीज, डज ही जंप ही जंप्स, डज ही गो यस ही गोस, डज ही टीच यस ही टीचेस, डज ही फ्लाई यस ही फ्लाइज। लेकिन जब नेगेटिव में रिप्लाई करोगे तो डज नॉट आपको लगाना है। नेगेटिव में हमेशा डज नॉट आएगा। डू के साथ डू नॉट आएगा, डज के साथ डज नॉट आएगा, डिड के साथ डिड नॉट आ जाएगा। जैसे ही डू डज डिड आया तुरंत फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा और डिड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। गॉट इट। जैसे मैं कहूँ डज सी स्पीक इन इंग्लिश, आंसर सी स्पीक्स इन इंग्लिश, सी स्पीक्स इन इंग्लिश। अब नेगेटिव में सी डज नॉट स्पीक इन इंग्लिश, सी डज नॉट स्पीक इन इंग्लिश। डज सी गो टू कॉलेज, सी गोज टू कॉलेज, सी डज नॉट गो टू कॉलेज। डज सी प्ले क्रिकेट, सी प्लेज क्रिकेट, सी डज नॉट प्ले क्रिकेट। डज सी राइट अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर, सी डज नॉट राइट अ लेटर। अब इसकी हिंदी वर्जन क्या होगा। डज का यूज वहां होता है जब कोई थर्ड पर्सन, कोई तीसरा व्यक्ति, वह हो या कोई लड़का हो लड़की हो जो, या कोई उसका नाम हो, वो कोई काम करता है वर्तमान में, उसकी करने की आदत है। जैसे मैं शराब पीता हूँ, आप शराब पीते हो, तीसरा पर्सन शराब पीता है कि, तो आप पूछोगे डज रिया टेक लेकर, डज रिया ड्रिंक, तो मैं कहूँगा यस रिया ड्रिंक्स, डज सी ड्रिंक यस सी ड्रिंक्स, समझ गए। अब डज एक तो डज हो गया, अब ठीक इसी तरह से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डज ही, डज सी, डज कोई नेम, वांट लगा दो, वांट टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। डज ही वांट टू, क्या वह चाहता है कोई काम करना, टू के बाद एक्शन का फर्स्ट फॉर्म जब यूज होता है तो उसका मतलब होता है कोई काम करना। जैसे क्या वह खेलना चाहता है, डज ही वॉन्ट टू प्ले, क्या वह जाना चाहता है, डज ही वॉन्ट टू गो, क्या वह बैठना चाहता है, डज ही वॉन्ट टू सिट, क्या वह लड़ना चाहता है, डज ही वॉन्ट टू फाइट, क्या वह आना चाहती है, डज सी वॉन्ट टू कम, क्या वह मुझसे बात करना चाहती है, डज सी वॉन्ट टू टॉक टू मी। लेकिन जब रिप्लाई करोगे तो सी ही या नेम को फिफ्थ फॉर्म लगाओगे। वॉन्ट का फिफ्थ फॉर्म क्या होगा, वॉन्ट्स हो जाएगा, ठीक है, वॉन्ट्स हो जाएगा। डज सी वॉन्ट्स, तो डज सी वॉन्ट का सी वॉन्ट्स, सी वॉन्ट्स टू कम, सी वॉन्ट्स टू गो, सी वॉन्ट्स टू सिट, सी वॉन्ट्स टू रीड, सी वॉन्ट्स टू राइड हॉर्स, सी वॉन्ट्स टू पॉलिश शूज, सी वॉन्ट्स टू टॉक टू मी, सी वॉन्ट्स टू प्रपोज मी, सी वॉन्ट्स टू डांस विथ मी, सी वॉन्ट्स टू विश मी, सी वॉन्ट्स टू विश माई बर्थडे ना। वही कोई काम करना चाहती है, लेकिन जैसे नेगेटिव होगा वॉन्ट्स हट जाएगा, फिर वॉन्ट आ जाएगा, सॉरी नेगेटिव में डज नॉट लग जाता। वह खेलना नहीं चाहती, सी डज नॉट वॉन्ट टू प्ले, वह जाना नहीं चाहती, सी डज नॉट वॉन्ट टू गो। डज नॉट को शॉर्टकट में डजेंट भी बोलते हैं, सी डजेंट वना गो, वॉन्ट टू को वना बोलो, सी डजेंट वना गो,
सी डजेंट वाना प्ले, सी डजेंट वाना सिट, सी डजेंट वाना लिव, जैसे वह मेरे साथ नहीं रहना चाहता। ही डजेंट वाना लिव विद मी, वह मेरे साथ रहना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू लिव विद मी, समझ ना रहा? क्या वो मेरे साथ रहना चाहता है? डज ही वॉन्ट टू लिव विद मी? इजंट इट, है ना? तो ये बार बार आपको बताए गए हैं, सारे फैमिली बताए गए हैं। ठीक उसी तरह से वॉन्ट टू खत्म हो गया, अब ट्राई टू में आ जाइए। कोई काम करने का प्रयास करना चाहता है कोई पर्सन या कोई लड़का या कोई लड़की, जैसे मैं कहूँ क्या कीर्ति खेलने का प्रयास करती हैं? डज कीर्ति ट्राई टू प्ले, क्या होता है? ट्राई टू प्ले, डज कीर्ति ट्राई टू प्ले। तो जब रिप्लाई करोगे हाँ कीर्ति खेलने का प्रयास करती हैं, तो ट्राई का फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? ट्राइज, कीर्ति ट्राइज टू प्ले। डज कीर्ति ट्राई टू गो? यस कीर्ति ट्राइज टू गो। लेकिन जब नेगेटिव बोलेंगे नो, कीर्ति डज नॉट ट्राई टू गो, डज नॉट के साथ हमेशा फिफ्थ फॉर्म लग जाएगा। क्या कीर्ति बैठना चाहती है? डज कीर्ति वाना सिट या वांट टू सिट? यस कीर्ति वांट्स टू सिट, नो कीर्ति डजंट वाना सिट। क्या कीर्ति मुझसे बात करना चाहती है? डज कीर्ति वांट टू टॉक मी? यस कीर्ति वांट्स टू टॉक मी। क्या वह मेरे साथ रहना चाहती है? डज सी वॉन्ट टू लिव मी? यस सी वॉन्ट्स टू लिव मी। सी वॉन्ट्स टू, फिफ्थ फॉर्म लग जाएगा, पांचवा फॉर्म। सी वॉन्ट्स टू लिव मी, नहीं सी डज नॉट वॉन्ट्स टू लिव मी। कोई दिक्कत नहीं ना? वेरी गुड। अब क्या कह रहे हो आप? क्या वह बैठना चाहती है? क्या वह बैठना चाहती है? क्या वह बैठना चाहती है? डज सी वॉन्ट टू सिट? क्या वह बैठने का प्रयास करती है? डज सी ट्राई टू सिट? ना, क्या वह बैठती है? डज सी सिट? क्या वह बैठती है? डज सी सिट? क्या वह बैठना चाहती है? डज सी वॉन्ट टू सिट? क्या वह बैठने का प्रयास करती है? डज सी ट्राई टू सिट? हाँ वह बैठना चाहती है, इसी हाँ वह बैठती है, यस सी सिट्स। हाँ वह बैठना चाहती है, यस सी वॉन्ट्स टू सिट। हाँ वह बैठने का प्रयास करती है, यस सी ट्राइज टू सिट। फिफ्थ फॉर्म लगाना है सी के साथ, ही के साथ या कोई नेम के साथ, ठीक है? आगे अगर नहीं होता है, नहीं वह नहीं बैठती है, सी डज नॉट सिट, वह बैठना नहीं चाहती है, सी डज नॉट वॉन्ट टू सिट, वह बैठने का प्रयास भी नहीं करती, सी डज नॉट ट्राई टू सिट। ये बात समझ में आ गया? अब तीसरा आ जाता है नीड, जब थर्ड पर्सन को कोई काम करने की ज़रूरत होती है। जैसे मैं कहूँ कि आप बहुत कमज़ोर हो गए हो, मैं कहूँ आपको खेलने की ज़रूरत है ना, आई से दैट आपको खेलने की ज़रूरत है, मैं कहूँगा यू नीड टू प्ले। लेकिन उसे खेलने की ज़रूरत है तो मैं कहूँगा ही नीड्स टू प्ले। लेकिन जब क्वेश्चन उठेगा तो डज ही नीड टू प्ले, नीड्स नहीं है, डज के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म। डज ही नीड टू प्ले? यस ही नीड्स टू प्ले, नो ही डज नॉट नीड टू प्ले। डज ही नीड टू गो? मान लीजिए आपको जोर से लगी है तो क्या होगा? अब नहीं जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो जाने की ज़रूरत है। मैं कहूँगा डज ही नीड टू गो? तो आप कहेंगे यस ही नीड्स टू गो। नीड्स का मतलब ज़रूरी है, एकदम बहुत ज़रूरी है, बिना उस जाने गए काम नहीं होने वाला, ठीक है? नीड हो गया। अब मैं कहूँ क्या आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं आता, बिना पढ़े आपको आएगा नहीं, तो मैं कहूँगा डज सी नीड टू रीड? तो आंसर सी नीड्स टू रीड, सी डज नॉट नीड टू रीड, ठीक है? अगला एक्शन ले लेते हैं, सी के साथ हैज़ टू हैव टू लगता है। कोई काम करना है, जैसे मैं कहूँ उसे जाना है, उसे खेलना है, उसे पढ़ना है, उसे लिखना है क्या, उसे लिखना है क्या, उसे जाना है क्या? अभी मान लीजिए वो उनका मुंह बन रहा है, बार बार वैसे मुंह बिछका रहे हैं, जाना है उनको पढ़ा रहे हैं, तो क्या कहेगी? तो मैं कहूँगा डज सी हैव टू गो? डज सी हैव टू गो? तो आंसर क्या आएगा? यस सी हैज़ टू गो। हैज़ हैव का फिर तो हम क्या होता है? हैज़। सी हैज़ टू गो, कोई काम करना है, मजबूरी जहाँ है आपकी, यहाँ मजबूरी है, ठीक है? डज सी हैव टू प्ले? यस सी हैज़ टू प्ले ना। डज सी हैव टू राइट? यस सी हैज़ टू राइट। लेकिन जैसे डज नॉट लगेगा फिर हम लग जाएगा, नो सी डजंट हैव टू प्ले, नो सी डज नॉट हैव टू राइट, नो सी डज नॉट हैव टू गो, नो सी डज नॉट हैव टू स्पीक, ठीक है? अब आ जाइए डज सी नीड प्लस, डज सी नीड के बाद अब आप एक्शन नहीं आएगा, कोई सामान आएगा। जैसे मैं कहूँ आपको पेन चाहिए क्या, या आपको पेन की ज़रूरत है क्या? डज सी नीड पेन? या डज सॉरी आपको नहीं, डज सी थर्ड पर्सन को,
क्या उसे पेन की जरूरत है? डज सी नीड पेन? अगर हाँ उसे जरूरत है, यस सी नीड्स पेन, नो सी डजेंट नीड्स पेन. जरूरत है या चाहिए, एकदम 100% जब कोई चीज जरूरत है उसके बिना काम नहीं चलता है, तभी नीड यूज किया जाता है. ठीक है, डज सी नीड, डज सी नीड, डज सी नीड पेन, यस सी नीड्स पेन, नो सी डजेंट नीड पेन. पॉजिटिव में फिफ्थ फॉर्म, नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म. डज सी नीड गो, यस सी, सॉरी, डज सी नीड मोबाइल, यस सी नीड्स मोबाइल. ठीक है, कहते ना, डज सी नीड मी, क्या उसे मेरी जरूरत है? डज सी नीड मी, यस सर, सी नीड्स यू, नो सी डजेंट नीड यू. बात समझ में आ गया. अब हैज आपके साथ भी समान आता है, क्या उसके पास पेन है? डज सी हैव पेन, यस सी हैज पेन, नो सी हैज, सी डजेंट हैव पेन. सर बोल दो, क्या उसके पास कार है? डज सी हैव कार, यस सी हैज कार, नो सी डजेंट हैव कार. कोई चीज आपके पास हो, कोई किसी को आप ऑन करते हो, किसी के ऑनर हो, समझ रहे हो? तो ये रहा लगभग 7-8 है. एक और है, जैसे मैं कहूँ क्या उसे खेलने का मन करता है, क्या उसे खेलने का मन कर रहा है? डज सी फील लाइक प्लेइंग. इसमें देखिए, कोई काम मन कर रहा है, जैसे मैं कहूँ क्या उसे समोसा खाने का मन कर रहा है क्या, या उसे समोसा खाने का मन कर रहा है क्या, उसे खेलने का मन कर रहा है क्या, उसे जाने का मन कर रहा है क्या. कभी कभी क्या होता है छोटे बच्चों को, क्या भाई खाने का मन कर रहा है क्या उसका ना. डज सी फील लाइक ईटिंग, डज सी फील लाइक डांसिंग, डज सी फील लाइक स्पीकिंग, डज सी फील लाइक प्लेइंग, यस सी फील्स लाइक प्लेइंग, नो सी डजेंट फील लाइक प्लेइंग. जैसे क्या रिया को समोसा खाने का मन कर रहा है क्या? डज सी रिया फील लाइक हैविंग समोसा, या ईटिंग समोसा, टेकिंग समोसा? यस सी फील्स लाइक, सी फील्स लाइक टेकिंग समोसा, सी डज नॉट फील लाइक फेसिंग समोसा. सी पॉजिटिव में फील्स लाइक, डज नॉट के साथ फील लाइक आप यूज करो. देख रहे हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, यस सी फील लाइक टेक समोसा, लेकिन यहाँ टेक नहीं होगा, फील लाइक के साथ आई एन जी फॉर्म लगाना. टेकिंग समोसा, जब कभी भी फील लाइक आएगा तो आई एन जी फॉर्म लगाना. हैविंग लग सकता है, ईटिंग लग सकता है. ठीक है, जैसे क्या क्या कीर्ति को पानी पीने का मन कर रहा है? डज सी फील लाइक टेकिंग वाटर, यस सी फील्स लाइक टेकिंग वाटर, सी डज नॉट फील लाइक टेकिंग वाटर. हाँ, डज सी फील लाइक हैविंग वाटर, पॉजिटिव में क्या बोलेंगे? सी फील्स लाइक हैविंग वाटर, सी डजेंट फील लाइक हैविंग वाटर. फिफ्थ फॉर्म यूज होता है ना, सी फील लाइक हैविंग वाटर, सी डजेंट फील लाइक हैविंग वाटर. ठीक है, तो लगभग 8 ये डज के परिवार हैं. हम इसको फिर से प्रैक्टिस कराएंगे, आप एटलीस्ट 8-10 एक्शन लीजिए, उसको डेली बोलने का प्रयास करिए.